देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। बरेली के कई ऐसे अस्पताल हैं जो कोरोना की आड़ में अपना कमाई का जरिया बनाए बैठे हैं। सपा नेता हैदर अली खुद एक कोरोना संक्रमित हैं, जो कि बरेली के खुशलोक हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका इलाज चल रहा था। जब हैदर अली अपने घर गए तो उन्होंने आप बीती बया की। आइए आपको सुनवाते हैं सपा नेता हैदर अली की बात कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इन अस्पतालों में कि मरीजों को इलाज नहीं दिया जा रहा है। देखिए बरेली से ब्यूरो हर्ष सहानी की एक ये रिपोर्ट। बहुत जरूरी सूचना देना है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें जब कोरोना पेशेंट जाते हैं तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर लोग हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, नर्सिंग स्टाफ सेवा करता है, इंजेक्शन जो आते हैं वो जरूर लगते हैं, मगर उसके साथ जो टेबलेट्स होती हैं जो 5,000 की आती हैं, 8,000 की आती हैं, उनको नर्सिंग स्टाफ चुरा लेता है, गंदगी करता है और फिर जो वहाँ का माहौल होता है उस माहौल को भी ख़राब करता है। जब प्राइवेट अस्पतालों का ये हाल है तब सरकारी अस्पतालों में जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं बिल्कुल व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ पे मरीजों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, पानी भी जो मंगाते हैं वो हम लोग पेशेंट मंगाते हैं। एक और खेल खेला जा रहा है, मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट के ही पैसों से 3-3 पीपी किट मंगाई जाती हैं, मास्क मंगाए जाते हैं और भी तमाम चीज़ें ग्लव्स वगैरह मंगाए जाते हैं। मैं चूंकि खुद कोरोना पीड़ित हूँ इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपने मरीजों को दवाएं अपने सामने दीजिए, खुद भी सेफ रहिए उन्हें भी बचाइए।